करता हूँ और आपको मुबारकबाद देने से पहले इस जश्न के हकीकी वारिस हजरत हुज्जत की बारगाह में एक नारे सलवात से जो है तहनियत पेश फरमाएं। मैं तो शुरू कर रहा हूँ। अगर एक बात आप अपने जहन में बिठा के बैठा करें कि महफिल में दाद देने के लिए उन्हीं लोगों के हाथ खुलते हैं जिनसे बीबी जहरा राजी हो। अब जो नहीं खोलेगा मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। महफिल में दाद देने के लिए उन्हीं लोगों के हाथ खुलते हैं जिनसे बीबी जहरा राजी हो। जिनसे बीबी जहरा नाराज है उनके नमाज में नहीं खुलते, महफिल में क्या खुलेंगे। अब लोग हमसे पूछते हैं कि आपसे बीबी जहरा राजी है कि नहीं। मेरे पास दलील है, खुदाए पाक है राजी, रसूल राजी है, चमन है राजी, तो समझो कि फूल राजी है। यही से जुड़ जाइएगा। मुझे अंदाजा करना है कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, आपको कितनी देर सुनना है। खुदाए पाक है राजी, रसूल राजी है, चमन है राजी, तो समझो कि फूल राजी है। अरे हमारी नस्ल में रखी गई आजादारी, ये बात साफ है, हमसे बतूल राजी है। हमारी नस्ल में रखी गई आजादारी, ये बात साफ है, हमसे बतूल। देखिए मैं बिल्कुल अलग, आप मिजाज एकदम अलग बनाए, मैं अलग शेर पेश कर रहा हूँ। मैं लखनऊ है, लखनऊ की जुबान सरकारी बाबुल हवायत की दरगाह है, मैं जुबान का चार मिसरा पेश कर रहा हूँ। ना हम जाने, ना वो जाने, ना कोई तीसरा जाने। बड़ा सन्नाटा है। ना हम जाने, ना वो जाने, ना कोई तीसरा जाने। अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। खुदा हुसैन का रास्ता जिगर हथेली पाए आप संभालेंगे। ना हम जाने, ना वो जाने, ना कोई तीसरा जाने। अली की मंजिलत या तो नबी या तो खुदा जाने। तो खुदा जाने कि क्या होता अगर शब्बीर कह देते मेरा अब्बास जाने, करबला का मार क्या जाने। Yeah!
स्टेज वाले थोड़ा सा बोले तो इनको देख के पब्लिक भी बोलती है।
कल सरे मक्तल कोई हमला किया अब्बास ने, तोहफा दे रहा हूँ। मैंने कितनी बार ये शेर कहाँ कहाँ पढ़ा बताना नहीं चाह रहा हूँ। मैं लखनऊ में चूंकि इस महफिल में पहली बार पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा शेर सुनाना चाह रहा हूँ। कब सरे मक्तल कोई हमला किया अब्बास ने, सिर्फ दरिया का लिया था जायजा अब्बास ने, कोई अपनी बेटियों से भी निभा सकता नहीं। मैंने कहा मैं तोहफा दे रहा हूँ, कोई अपनी बेटियों से भी निभा सकता नहीं जो निभाई है भतीजी से वफा अब्बास ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बोलो हाथ बुलंद करके गाजी के नाम पे। कोई अपनी बेटियों से भी निभा सकता नहीं जो निभाई है भतीजी से। यही मेयार बनाइए, यही मिजाज बनाइए, इसी मिजाज के शेर पढ़ता हूं मैं। जो निभाई है भतीजी से वफा अब्बास ने, कैसे निभाई? कट गए बाजू तो उसको छोड़कर आगे बढ़े। अल्लाह अकबर, कट गए बाजू तो उसको छोड़कर आगे बढ़े, मश्क पर होने न दी खुद से जुदा अब्बास ने। अपने रब से ले लिया बाबे हवाइज का लकब, करबला में काम ऐसा कर दिया अब्बास ने। मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, मैंने बताया कि कहां कितनी बार पढ़ा ये नहीं बताना चाहता, मैं शेर पढ़ रहा हूं एक तोहफे के तौर पर। फखरी भाई, अख्तर भाई, सारे लोग बैठे हुए हैं कि मश्क पर होने न दी खुद से जुदा अब्बास ने। ये खते शमशीर कब है? मौत की है ये लकीर। जो जमीन पर खींच दी है बावफा अब्बास ने, और सिर्फ खत खींचा था, खैमे से बुलावा आ गया। लखनऊ है खुदा, ये कसम मैंने मिसरा पढ़ दिया। सिर्फ खत खींचा था, खैमे से बुलावा आ गया, वो तो ये कहिए नहीं रोकी हवा अब्बास ने। मौला आबाद रखे, इधर वाले भी थोड़ा बेदार हो जाए इधर को देख के। सिर्फ खत खींचा था, खैमे से बुलावा आ गया। अरे इधर सबके मौला है, मिल गए पीछे वाले भी। तोहफा दे रहा हूं आपको, सिर्फ खत खींचा था, खेमे से बुलावा आ गया, वो तो ये कहिए नहीं रोकी हवा अब्बास ने। लुट गई दुनिया मगर दिल को सुकून मिलने लगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपका भाई, किसी का छोटा भाई, किसी का बेटा, शब्बीर का जाकिर शायर कुछ भी समझ के ये शेर न राजा हो। सिर्फ खत खींचा था, खेमे से बुलावा आ गया, वो तो ये कहिए नहीं रोकी हवा अब्बास ने। लुट गई दुनिया मगर दिल को सुकून मिलने लगा। लुट गई दुनिया मगर दिल को सुकून मिलने लगा, जिस घड़ी शब्बीर को भाई कहा अब्बास ने। अल्लाह मगर दिल को सुकून मिलने लगा। लुट गई दुनिया मगर दिल को सुकून मिलने लगा, जिस घड़ी शब्बीर को भाई कहा अब्बास ने। फिर यहां से शायरी सुने आप, औलिया की हयात जीने दे। शायरी, औलिया की हयात जीने दे, इश्क हैदर के जाम पीने दे। इतने खामोशी से नहीं,
बड़ी मेहनत से शेर कहे। औलिया की हयात जीने दे, इश्क हैदर के जाम पीने दे, जिससे मदहे अली की सैर करूं, फिक्र के ऐसे कुछ सफीने दे, मुझसे दुनिया का मान ले ले खुदा, इश्क हैदर के बस खजीने दे। अब लखनऊ है, अल्लाह जाने किस मेयार पर ये शेर सुना जाए। इश्क हैदर के बस खजीने दे, इसने हुरमत तेरी बचाई है, करबला को दुआ मदीने दे। ना ना ना, थोड़ा सा आपको बेदार होना पड़ेगा। इसने हुरमत तेरी बचाई है, करबला को दुआ मदीने दे। मैं जो होता वहां तो कह देता, हक़े ज़हरा को है कमीने दे। रायगा न करे शेर, रायगा न करे, मैं ला रहा हूं आपको। मैं जो होता वहां तो कह देता, अब मैं देखता हूं नौजवान खामोश कैसे रहते हैं। बहुत शेर सुने आपने। मैं जो होता वहां तो कह देता, हक़े ज़हरा को है, उसने यूसुफ को भीख लेनी है, उसने यूसुफ को भीख लेनी है, शह के अकबर जरा पसीने दे। सारी सुन रहे ना, उसने यूसुफ को भीख लेनी है। अगले जो शेर पढ़ना पढ़ने जा रहा, कोई भी बैठा रहेगा तो शेर का मतलब ही बेकार हो जाएगा। उसने यूसुफ को भीख लेनी है, शह के अकबर जरा पसीने दे। बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के जीने दे। मैंने कहा कोई आदमी बैठा रहे तो शेर का मफहूम ही बेकार है। कहे बोली असगर की जात खालिक से, कब कहा जिंदगी के जीने दे। अरे काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, अरे खुदा मुझको 6 महीने दे। खालिक से, मौला आबाद रखे आप तमाम हजरात को। कब कहा जिंदगी के सीने दे, काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा। हाय लखनऊ, काम कर दूंगा नूह से भी बड़ा, अरे खुदा मुझको 6 महीने दे। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया। आप लोग अपने सुकून को तोड़े, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। खुदा के वास्ते मोहरे सुकून तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। आप लोग भी तोड़े। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। जो पढ़े लिखे हजरात हैं उनको तो बोलना जरूरी है ना। चेहरा उदास जो था उसे शाद लिख दिया, वीरानियों का शहर था आबाद लिख दिया। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने। हाय मौला आपको आबाद रखे। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। खुश रहे मौला आबाद रखे आपको। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे आजाद लिख दिया। लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू, लिखनी थी मुझको सजदे खालिक की आबरू, कागज पे मैंने सैयद सज्जाद लिख दिया। लखनऊ में शेर पढ़ दिया मैंने। खैर अगला शेर इस्तकबाल के लिए आप तैयार रहे। कैदी की तरह आया था सरवर के सामने, सरवर ने हुर के माथे पे मेरे भाइयों आजाद लिख दिया।
तो राहिब के वास्ते जहां लिखा था लावलक, मैं जिगर रख रहा हूं शायरी का आपकी हथेली पे, राहिब के वास्ते जहां लिखा था लावलक शह ने वहीं पे साहेब औलाद लिख दिया। कर ले लगा